तो हाय जी गाइस, हेलो, आप सब कैसे हो? उम्मीद कर आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर आप सबका बहुत बढ़िया होगा, मौज में होगा, कच्चे काट रहा होगा, पता से बट रहा होगा मौज ले रहे होंगे सारे के सारे। तो फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये मेरी सासू अम्मा है जिनको मैं माता बोलती हूँ, और ये जानती होगी, वैसे पता नहीं कौन है, मेरे को पता नहीं इनका। बाबू इतना छलटो ही गए थे, ये तो मुंडा मुंडा है। बता मम्मी में छल को बदल दिया अभी कदे छल है बदल दिया भाई, बस मुंडा बना दिया, बदल दिया रंग तो छल था, मैं बदल दिया मतलब क्या? मैं कौन है, खुद ही कटवाऊ उसको, बदल दिया कैसे रख दी होगी, छल था नहीं मां, कैसे रख दी, रंग काला हो गया नहीं मां, देख हो गया रंग काला हो गया। मम्मी ने पूछ रहे लोग छल था कौन था, मैं इतना बेरा है, मम्मा तो देखी गए, पापा देखी गए, नूला सुतरा सुरा जमा लोग ही गए थे, मैंने सुतरा लग दिया मेरे पास, समझ को सुतरा कौन किसी बोले करीब लगा था, फिर लग देखना है दीदी, करीम लगा ही बैठा था दीदी, मेरे पापा मामा बोले छोरा तो कह दे रखा था सुतरा छोरा है, अरे देखू देखिए सुतरा सा है जदे तो देखिएगा, जदे तो लुगाई भी देखना, इसको लुगाई के तो पिसंद आवे को नहीं, मछैल नहीं हुंदा जगदे, मान लुगाई में पिसंद आवे को नहीं रे, मान तो है मान तो है, तनु को आवे छैल था बोली तो छैल सा ई कुन के ई तो रंग पलट दिया ई की मैंने रंग पलट दिया देख लियो, मैं के करा इस पैसा, मैं तो इसने बैठा रखूं सारे दिन, मैं बैठा रखूं दिक्कत को ऐसा नहीं कर दी, तो कैसे आप सबके बहुत दिन तक बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे भाई दीदी आप मोटे मोटे दिखने लगे हो, तो आप भाई ससुराल में जाके मोटे मोटे दिखने लगे, कुर्ते खोलने लगे, सोनी का सोनी को कुर्ते खोला लिए तेरे, हाँ तो दीदी आप भाई के खाने लग रहे हो भाई, ताकि इतने मोटे हो गए, या फिर कोई डाइट का राज बताओ, या फिर कोई और भाई खुशखबरी है, तो उन्हें मैं बता दूं, तो उन बात है भाई, मेरी सासू ने जमा लिया, मेरे खतर गणा जमावना पहले तो ठीक से, जिन्हें मोटा होना है ना, तो वो भाई आप आपकी सासू तो या फिर माता है भाई जमावना जमा सको हो, मेरा हर 15 दिन या तो मम्मी पूछाओगी गजर पा के खो, या फिर या मम्मी पूछाओगी ठीक है, इतना खा लिया मैंने छपकन है, ज्यादा मोटी हो रही है, हाँ इतना इतना खा लिया, इतना मतलब की मीठा मैंने कदम पसंद होता, लेकिन इतना खा लिया, गजर पा खोआ आर की होया करो, जलेबी भी और गोंद और मूंग के लड्डू, बेसन के लड्डू, क्या क्या मन की अत्ता ज्यादा, मैं खा खा के तो मैं थक चुकी हूँ मैं बिल्कुल ही, तो कुछ तो राज ये था, और सेकंड राज ये भी है भाई, हाँ जो आप समझ रहे हो, जो आप लोग कमेंट करया करो हो, के कमेंट करया करो नहीं, मम्मी नु कमेंट बेरत को नहीं कहया करे, ये यूं कहया करे कमेंट में, दीदी घर में खुशी आने वाली है, खुशखबरी देने वाले भाभी, बस तो आप सबके कमेंट आ रहे थे, इतने प्यारे प्यारे आने लग रहे थे, काफी दो मतलब की गेस कर रहे थे, बहुत दिन आता मतलब काफी टाइम से पूछने लग रहे, लेकिन मैं के था कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है हर बार, कभी पापा बीमार हो जाते, कभी मामा बीमार हो जाए, फिर मामा एक्सपायर हो गए, पापा एक्सपायर हो गए, पहले सोनू का करंट लग गया था, तो मतलब घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कि मैं जो खुशखबरी अपना देना चाह रही थी उससे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जावा थी, तो फिर मैंने बीच में सारा चीज़ छोड़ कर रख रखी थी, फिर फाइनली मैंने सोचा कि भाई ये मैंने भाभी वाली खुशखबरी दे दी, तो फिलहाल लगता ला रहा मैंने यह खुशखबरी भी था, मैंने दे ही दी हूँ मैं, तो खुशखबरी बाकी दादी बनने वाली है, दादी बनने वाली कितनी खुशी हो रही है, मैं खूब खुशी हो रही, बाबू ने बाबू पापा बाबू डैडी आई तो खराटे मार मार सो जाओ, फिर ओनू करेगा
अपने सच बताओ मतलब की शादी हुई जब ज्यादा खुशी हुई या फिर आपने इस चीज का पता लगा तब ज्यादा खुशी हुई क्या पापा बनने वाले हो इसमें ज्यादा खुशी हुई या फिर आप शादी होने बाद ज्यादा खुशी ये बात नहीं पूछना चाह रही। एक तो आपकी शादी हुई उसमें ज्यादा खुशी थी या फिर एक अपने इस बात का पता चला कि आप पापा बनने वाले हो इसमें ज्यादा खुशी आ गई। नहीं इस खुशी में तो फिर खुशी जो बच्चा होगा नहीं बच्चा होने के बाद पता चलेगा खुशी का फिर ज्यादा खुशी होगा बच्चा होगा नहीं हाथ लेगा फिर खुशी आ गया नहीं बल्कि फिलहाल भी खुशी है बल्कि फिलहाल बल्कि आपने पहला ज्यादा खुश था कि ज्यादा खुश है पूछा बच्चा बच्चा फिर खुशी आ गया ज्यादा बच्चा थोड़ी ना है नहीं बल्कि एक तो न्यूज पता चली आपने भैया बात है तब मतलब की वह खुशी मान ले अरे एक अपने भाई नु पता था चीज तो नहीं होता जिन्हें ना सोने का होनी चाहिए पहली शादी की ज्यादा खुशी थी पासपोर्ट साइज की फोटो देखी थी मिंडी सी नाचती चल मतलब की अपने ज्यादा खुशी शादी हुई तब हुई थी। अच्छा ये बाप ने बताओ माँ की आपका छोरे का ब्याह होया उस टाइम पर ज्यादा खुश थे आप या फिर आपने लगे पोता आला है पोती आने वाली है पोते की खुशी हुई। अच्छा दूसरा पोता छोटा पोता चल आज माँ फंस गई चल माँ तो पूछते है भाई काफी कमल की अपने पता है अपने मोस्टली हर घर में यह बात हो है की लड़का होना चाहिए लड़की होनी चाहिए तो चलो माँ तो पूछ ले बात तो सच्चे दिल तो बताइए जमा ठीक है तू आप क्या चाहो हो भाई छोरा होना चाहिए छोरी होनी चाहिए। मैं वो तो मन मर्जी की मैं हो मैं ज्यादा छोरी में खुश हूँ। अच्छा क्यों भाई क्यों मन बेटिया तो बेटी प्यारी लागे भी ना क्यों क्यों वो लांडी प्यारी थोड़ी लागे प्यारी लागे भाई प्यार से उसमें सुटा तब आप लगा भी सुटा तेरे सुनाने की बारी तो नहीं गंदी ना भैया बात रियलिटी है भाई क्यों ये वाली फैमिली हो चाहे प्यारी लग तो ये वाली फैमिली हो चाहे अपनी छड़ वाली फैमिली हो बच्चों कौन सी फैमिली हो आपने देखा होगा छड़ में भी भाई भाई और तो ज्यादा रिस्पेक्ट में नहीं मिले है और यहाँ पे भी रियलिटी है कि भाई सोनी 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 सबने ज्यादा प्यारी लग है सुरेश और मीतू सोनी तने कितनी लग बता तो बताते नंद कितनी लग तने है सुरेश और मीतू मत सब ने प्यारी बार सोनी ज्यादा लगे छोरी होनी चाहिए छोरी तो घागरा पा रही कोई आपके शौक पूरे कौन कर पाए लेकिन आपको थ्रू उसने पैसा दस जाके उसके शौक पूरे कर लेगी लेकिन जो बच्चा वो सही सलामत हो बस हम यही चाहिए करा यही बाबी खातर चाहवा थे यही मार खातर थोड़ा बुकरम देगी इसके याद आएगी मन लगा कुछ ना कुछ लेगी पक्का कहा तो मेला भतीजे खातर गुदड़ी बना दी इसने रातों रात बनाई बेचारे रातों रात इसने पता लग गया ना सोनी कान लग रही है तो इसने पता सुबह उठती जाएगी तकिया बनाओगी फाइबर डालकर नाड़ बांगी ना बच्चेगी देख लो बच्चे और एक बात और बताऊं चलो गाइस हमें आप ही बता दियो चल मैं एक दो फोटो डाल दूंगी भाई और फिलहाल मैं देख भी लो सिचुएशन फिर थम बताइए मेरा कौन सा मन चल रहा है मैं कौन बताऊं थम बताओगे थारा अकॉर्डिंग ही बताऊंगी ठीक है। यू है फिलहाल मेरी कंडीशन दिखाई थोड़ा ऊपर करी हमें फिर मैं देखा कौन सा महीना बताऊंगी ये पूरा दिखा दो ना पेट पेट दिखाओ आप तो
पूरी कंडीशन यह है मेरी, तो हम बताइए भाई गाइस मेरा कौन सा मन चलता होगा, ठीक है। और फिर देखो किस किस का कमेंट सही है और कौन कौन सच बोल रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी भाई किस किस का सही होगा, तो उसका जो कमेंट है वो पिन करूंगी और बताऊंगी भाई तेरा, हाँ भाई आपका कमेंट सही है आपका है। तो देखो बाकी अभी मैं कुछ नहीं बता रही कौन सा मन चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपने को नहीं बस पता है किस किस ने बताया कौन कौन सा मन चल रहा है, मम्मी ने, सोनी ने, सुरेश ने, या फिर मेरी माँ ने, या फिर मेरी भाभी ने, और एक मेरी जेठानी देवरानी ने, पांच छह जना ने पता है बस मोस्टली कि मेरा कौन सा मन चल रहा है, बाकी सारा खतर सस्पेंस है। जो भी पूछे ना कोई पड़ोस में या कुछ भी, तो आप लोग बहुत जल्दी सरप्राइज देंगे सरप्राइज देंगे, लेकिन अभी अभी तक हमने किसी को नहीं बता रखा। और एक साथ सरप्राइज और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सको हो और पूछ सको हो, और नेक्स्ट ब्लॉग हम उस चीज पे लेके आ जाओगे। बाकी भाई कमेंट में जरूर बताइयो यो ये सूट है मेरा किस अक्स लिया, अगले 24 घंटे भी रेडी मिलेगा, तो रातों रात मेरा खाता तैयार करेगा ये पीस, और थम बताइए किस अक्स लिया किस अक्स नहीं, और बेचारे ने चिल्ले बना लेकिन यूट्यूब तो देख गए और ट्राई करा, जो पहला सूट था ना व्हाइट वाला उस पर ट्राई करा था लेकिन वो सेकंड था इसका, और बहुत प्यारा सिल रखे हुआ मैंने तो बहुत प्यारा लगे, आप बता दीजिए किसका घूमिए घूमिए बैठ गए तो ही फोन घूमे एंडी एनी, और काफी एप्पल की सुहाना वाला कपड़ा, बिल्कुल नहीं बहुत प्यारा कपड़ा, कपड़ा भी खुद ही लेगा ये